क्या किसी विशेष मंत्र जाप से कुंडलिनी को एक्टिवेट किया जा सकता है, या फिर कुंडलिनी एक्टिवेट करने का कोई विशेष ध्यान या कोई विधि है? देखिए, कुंडलिनी एक्टिवेट करने का मतलब होता है कि आपकी मूल ऊर्जा का नीचे से ऊपर की ओर बहना और एनर्जी के उस धक्के से आपके चक्र यानी आपकी कुंडलिनी पर फोर्स पड़ना और उनका एक्टिवेट होना। बेसिकली सवाल ये नहीं है कि आपकी कुंडलिनी किस प्रकार एक्टिवेट होगी या इसके लिए कोई विशेष मंत्र विशेष विधि। सवाल तो यह है कि आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर किस प्रकार गति करनी चाहिए। अब उसके लिए कोई सी भी विधि हो सकती है, चाहे वह मंत्र जाप ही क्यों ना हो। सिंपल शब्दों में कहूं कि अपनी बाहरी और भीतरी ऊर्जा को शांत करके उसका एक विस्फोटक बनाकर उस एनर्जी को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो इससे एक विशेष वाइब्रेशन पैदा होती है, वो वाइब्रेशन एनर्जी को जनरेट करती है, आपको हील करती है और आपके चक्रास के ब्लॉकेजेस को खोलती है। आप ओम के मंत्र जाप से भी कुंडलिनी को एक्टिवेट कर सकते हैं, विपस्सना ध्यान विधि से भी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। विपस्सना में केवल फर्क इतना होता है कि आप अपनी एनर्जी को श्वास के धक्के से यानी श्वास के माध्यम से नीचे से ऊपर की ओर गति करके ले जाते हैं। इसके साथ में आपको विजुलाइजेशन पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है कि आपके हर एक श्वास के साथ कोई एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर आ रही है और आपके मंत्र जाप के साथ वो एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर उठती है। देखिए, इस शक्ति का या कहूं इस एनर्जी का बेस पॉइंट जो है वो आपका रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र है। इसे मूलाधार क्यों कहा गया? क्योंकि यही एक मूल स्थान है जो आपके समस्त अस्तित्व का आधार है, इसीलिए इसे मूलाधार कहा गया है। हर चक्र में अपनी अपनी एक संभावना, अपनी अपनी शक्तियां छुपी हुई हैं, लेकिन आप केवल एक ही चक्र की शक्ति को जान पाते हैं जो है मूलाधार चक्र, जिसे सेक्स एनर्जी कहते हैं, काम ऊर्जा। असल में मैन एनर्जी यही है जो बाकी चक्रास के ब्लॉकेजेस को खोलती है और उनकी संभावना उनकी शक्ति को जागृत करती है। तो बेसिकली आप चाहे मंत्र जाप कर रहे हो या विपस्सना मेडिटेशन कर रहे हो या साधारण कोई भी ध्यान कर रहे हो, उसमें आपके भीतर एनर्जी तो उठेगी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि उस एनर्जी को आप किस प्रकार ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने अध्यात्म की यात्रा में या किसी सिद्धि को पाने में या समाज में रहते हुए मन की शांति पाने के लिए या फिर सक्सेस पाने के लिए। आपके भीतर शक्ति भरपूर मात्रा में है, शक्ति एक ही है, मूलाधार की शक्ति। उसी एनर्जी पर डिपेंड होती है आपके शरीर में छुपी हुई बाकी शक्तियों की। वो सब जाग जाएंगी जब आप मूलाधार को संभालना सीख जाओगे, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। आप उस शक्ति से बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, आध्यात्म की राह भी चुन सकते हैं या फिर आप उसे बर्बाद भी कर सकते हैं। एंड लास्ट, सीधे शब्दों में मंत्र जाप की शक्ति से कुंडलिनी को एक्टिवेट किया जा सकता है।